गाइस, राइट नाउ वी आर एट ले पैलेस एंड दिस पैलेस वाज बिल्ट इन 16th सेंचुरी। इस पैलेस के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये जो पैलेस है टोटल 9 फ्लोर्स का है और इसको बनाने में सिर्फ 3 साल लगे। और जो टॉप मोस्ट फ्लोर्स हैं जैसे कि 7th और 8th फ्लोर, ये रिजर्व्ड है रॉयल फैमिली के लिए। और जो नीचे के फ्लोर्स हैं जैसे कि पहला और दूसरा फ्लोर, ये यूज़ करते हैं ऐसे स्टेबल और स्टोर रूम्स की तरह। तो अभी हम हैं 8th फ्लोर पे और यहाँ से आप पूरा लेह सिटी का व्यू देख सकते हैं। पीछे वो माउंटेन पीक्स है। सलाम करें इनको जिनके हिस्से में मुकाम आता है। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका अल्लाह इस वतन के काम आता है। मैं ग्रेनेडियर अजीत सिंह, 3 ग्रेनेडियर्स 118 इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड ग्रुप और 14 कोर की तरफ से आप सभी देवी और सज्जनों का इस ऐतिहासिक हॉल ऑफ फेम की पावन सरजमी पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। हॉल ऑफ फेम का निर्माण भारतीय सेना द्वारा 1986 में लद्दाख के इतिहास व संस्कृति से रूबरू कराने तथा भारतीय सेना के उन वीर योद्धाओं के अदम्य साहस, पराक्रम व वीरता को दर्शाने के लिए किया गया जिन्होंने हमारे देश की सरहदों की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। हॉल ऑफ फेम कॉम्प्लेक्स को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है। मैन म्यूजियम बिल्डिंग, एडवेंचर पार्क, वॉर सेमेट्री एवं वॉर मेमोरियल। आपके ठीक पीछे मैन म्यूजियम बिल्डिंग जिसके अंदर लद्दाख की हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, डेमोग्राफी, फ्लोरा एंड फौना तथा भारतीय सेना के शौर्य व वीरता को दर्शाया गया है। लड़ाई के दौरान हमारे जाबाज सैनिकों द्वारा दुश्मन से छीने गए हथियार व सियाचिन ग्लेशियर में एक सैनिक दिनचर्या एवं इस्तेमाल में लाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरण के बारे में मैन म्यूजियम में दिखाया गया है। आपके दाहिनी ओर एडवेंचर पार्क बना हुआ है जिसके अंदर ऑब्स्टेकल कोर्स तथा विभिन्न प्रकार के मनोरंजन के साधन लगे हुए हैं। ये सभी साधन हमें एडवेंचर लाइफ का एहसास कराते हैं। आपके बाई ओर वॉर सेमेट्री बनी हुई है जिसके अंदर भारत की आजादी से लेकर अब तक
लद्दाख क्षेत्र में शहीद हुए 1724 वीर शहीदों के नाम अलग अलग पत्थर की शिलाओं पर अलंकित किए गए हैं। ये सभी शिलाएं हमें उनकी शहादत का स्मरण कराती है। आपके ठीक सामने वॉर मेमोरियल बना हुआ है, जिसकी स्थापना वीर शहीदों की याद में सन 2006 में की गई और वीर शहीदों के नाम यहाँ स्वर्णिम अक्षरों में अलंकित किए गए हैं। उनकी याद में यहाँ हमेशा अमर जवान ज्योति प्रज्वलित रहती है। वॉर मेमोरियल के साथ भारत का राष्ट्रध्वज लगा हुआ है, जिसकी बाई ओर इंडियन आर्मी, इंडिया एयरफोर्स और दाहिनी ओर नॉर्दर्न कमांड व 14 कोर का फ्लैग लगा हुआ है। अभी आपके सामने राष्ट्रध्वज को उतारने की परेड प्रस्तुत की जाएगी, जिसे बीटिंग द रिट्रीट परेड कहा जाता है। आप सभी इसी परेड का भरपूर आनंद उठाएं। राष्ट्रध्वज को बिगुल के साथ सलामी दी जाएगी, जिसमें कि राष्ट्रध्वज को सम्मान के साथ उतार दिया जाएगा, साथ ही अन्य ध्वजों को उतार दिया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रध्वज का सम्मान करें।
बात हवाओं को बताए रखना, बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, अपना लहू देकर जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, उस तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना। आज हम सब मिलकर उन वीर योद्धाओं को भी याद करते हैं जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। So guys, right now we are in this beautiful market in Leh and बहुत ही different तरह की shops हैं यहाँ पे, जो normal shops आपको मिलती हैं Delhi या किसी भी metro cities में, उस तरह की shops नहीं है, यहाँ की local ही shops हैं। and जो product की quality है यहाँ पे काफ़ी अच्छी है और किसी भी range का product ले सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत market बनाई हुई है और यहाँ पे vehicles का आना allowed नहीं है, so you can roam freely around the market and do shopping as well।